नलो बेटू का वेट करते हैं, खड़े हैं। आज आंटी नहीं है, आधा तैयार है आधा पर्स में डाल ली है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप हमारे नए ब्लॉग में। तो मैं आपकी दोस्त शशि प्रिया राज मोहम्मद स्वागत करती हूँ। हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह बेटी को छोड़ने। आज मौसम कोहरा कोहरा है। हम नहा वहा लिए, चाय पी लिया है बेटी को छोड़ने के बाद आए, फिर नहाया ब्रश किया और जल्दी से किचन में आ गए हैं। खाना बना रहे हैं। आज खाने में है राजमे की सब्जी। राजमा ने देखिए बॉइल करके रखा, रात में भिगो दिया गया था और इस पर हाँ चावल चढ़ा दिया है। और आज बेटू के लंच में बना था प्याज का पराठा, तो उनको सेक के दे दिया, खा पी लिए। अब जो बचे वो अभी हम सेकेंगे। तो जल्दी जल्दी राजमे की सब्जी बना ली है। किसको किसको राजमा पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और राजमा तो ज़्यादातर सभी को पसंद आता है, पर जिसको नहीं पसंद है वो आज कमेंट्स करेगा। तो आज आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि आज क्या होता है, कुछ खास होगा। ये देखिए, ये हमारे माधोजपुर मेन रोड पे तिलई रोड पे नई दुकान खुली है, अस्तर फॉल। सिलाई के सामान यहाँ मिलते हैं, ब्लाउज के पीस व लेस डोरी, ये सब की थोक की दुकान है। तो चांदनी को कुछ सामान चाहिए था, तो वो जो भाभी जी थी वो बुलाई थी कि हमारे यहाँ से भी ले लो सामान। तो चांदनी और मम्मी गई थी यहाँ पे, सिलाई से संबंधित सभी चीज़ मिलते हैं, बटन धागा। तो अगर आप लोग को भी जाना हो लेना हो तो आप लोग ले सकते हो और कमेंट्स करिएगा, तो हम उनका पूरा एड्रेस आपको बता देंगे। तो फिर लो सामान लेके आए तो अच्छा था सामान और वाजिब रेट भी था। नलो बेटू का वेट करते हैं, खड़े हैं। आज आंटी नहीं है, लाइव में एक मतलब बंदा कनेक्ट हुआ था, वो कह रहा था कि आप भाभी जी आपके घर के सामने, आपके घर के बगल में लगता है मस्जिद है, नवाज होती है। अरे अच्छी तो बात है कि हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे घर के मंदिर भी है और मस्जिद भी। उनको बहुत परहेज था। अच्छा नहीं तो अब अचानक जाने को हुआ तो ये हुआ कि नंबर है ले लीजिए। हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोग भी हम लोग के साथ चलिए। अभी हम लोग एक ग्रुप में और लोग भी इकट्ठा होंगे, तो अब आप लोग पहले अपने रास्ते का मजा लीजिए, फिर इसके बाद वहाँ चलते हैं जहाँ हम लोग जाना है। ये वो है प्रोग्राम में जो लगता है झांकी जो सस्ती है। हाँ ये देखिए हम लोग आ गए हैं गाँव, यहाँ बच्चे सब रेडी हो गए हैं, हम लोग भी रेडी हो गए हैं, अब बस जाने जाने की तैयारी है।
आधा तैयार है, आधा पर्स में डाल ली है। देखिए हम लोग रास्ते में, हम लोग को रात हो गई थी से जगह जगह उस दिन, मतलब शादियाँ थी। हम लोग पहुँचे तो हम लोग भाभी भैया डैडी बच्चे सब लोग थे, तो हम लोग सोचे यहाँ भी बाराती है, चलो यहीं क्यों ना इनविटेशन खा लिया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी मतलब हम अपनी बहन की बेटी की शादी में जा रहे हैं। तो ये बस हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग बस एंट्री कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मतलब बारात नहीं आई थी, अभी हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी, मंडप सज रहा था, लोग आ जा रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा। हम काफ़ी टाइम पहले 8 साल पहले मतलब गए थे, मतलब उनके दीदी के बड़े बेटे की शादी थी। तो अभी कैमरे में आने हैं के मतलब कैमरे में आने से सब लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, इसलिए किसी की वीडियो ऐसे पर्सनली नहीं बना पाए और बस ऐसे बना लिया। ये देखिए सब तैयारी शैयारी हो रही है, बच्चे भाभी लोग ये सब खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके हमको, सब लोग बहुत पहचान रहा था, जो लोग जो बच्चे हमको देखे भी नहीं थे वो मुझे मतलब यूट्यूब के कारण पहचानते थे और नाम से जानते थे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ सब लोग वेट कर रहा था कि बारात आ रही है, तो सब लोग खड़े हुए थे, दीदी लोग थी, भाभियाँ थी, भैया लोग, भतीजे। तो ये हुआ कि बारात अब आने वाली है, तो फटाफट हम लोग खाना खा लेते हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी चांदनी में बेटू और अनिल की दुल्हन हम लोग खाना खाने पहुँच गए। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, और वहाँ गाने बज रहे थे इसीलिए हमें म्यूट करना पड़ा आवाज़ को। तो आप लोग, और हम लोग गए थे रानीगंज, वहाँ पर शादी थी, मतलब मेरी दीदी का ससुराल वहीं पे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे जल्दी से। ये वो नाश्ता कर लो, तो नाश्ते में इतना मतलब भीड़ हो गई थी कि मन ही नहीं किया, तो हम लोगों ने डायरेक्ट खाना ही खा लिया। हमके छोड़ो नाश्ता, वैसे भी मैं चाउमीन खाती नहीं हूँ, हमके छोड़ो सीधा खाना खाया जाए। तो जल्दी जल्दी चांदनी मैंने खाने में ही ध्यान लगाया और खाना खाया। तो थोड़ी सी देना भैया, देखना तो उसे किनारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख के बैठ। ये देखिए खाना खाने के बाद डैडी चांदनी में आने लगे, तो पता चले इतने में दूल्हे राजा भी आ चुके थे। तो हम लोग फिर बारात देखने लगे। तो ये देखिए दूल्हे की गाड़ी, वैसे दूल्हा तो बैठा हुआ था मतलब सिंहासन पे, तो आतिबाजी हो रही है। तो हम कहते हुए यहीं खड़े होकर देखते हैं, अच्छा भी लग रहा था मतलब खुला खुला में, तो हम लोग इसको इंजॉय किया। फिर उसके बाद तो हाँ, गांव की शादी में सबसे एक स्पेशल चीज़ होती है कि जो अंग्रेजी बाजा था उनके साथ नचनियाँ नाचने वाले थे, जेंट्स लेडीज़ बन जाते हैं। तो ये नचनियाँ गा रहे थे जो डांस कर रही थी, तो ये गांव की शादी में सबसे स्पेशल चीज़ होती है। और यहाँ हम लोग सब लोग बैठ गए थे, वहाँ सब लोग डांस वांस कर रहा था बाराती, तो हम लोग देख रहे थे। तो दूल्हे के लिए ये अपाची नहीं है शायद, वो पल्सर बाइक निकाली गई थी तिलक में देने के लिए। तो ये मेरा भतीजा लेके जा रहा है देने के लिए कि दूल्हे के द्वार पूजा में गाड़ी दी गई। तो हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, सब लोग जल्दी जल्दी इंतजाम कर रहे थे। दूल्हे की एंट्री हो चुकी है, तो आप को दुल्हन हम लोग जल्दी चले आए थे, तो दुल्हन की फ़ोटो हम लगा देंगे कि हम जयमाल देखने मतलब जयमाल के पहले ही चले आए थे। तो आप लोग देखा, और एक बात और, अगर इसमें कोई मेरी वीडियो पे कोई होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, कोई दिखता है तो जो हमें जानता हो, हमें ना जानता हो पर उस इस वीडियो में हो
तो ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फिर अब दूल्हा रिबन रिबन का फूलों की माला कट करके स्टेज पे जाना था, तो ये सब धीमे धीमे रस्में स्टार्ट हो गई हैं। ये बुआ लोग कलसा दिखाते हुए, अच्छी होती है रस्में, तो बुआ लोग कलसा दिखा रहे थे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं शादी में, और कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि दूल्हे राजा आप लोग को कैसे लगे। और यहाँ पे दुल्हन की हो गई है एंट्री। ये सब भतीजे लोग मतलब दुपट्टा पकड़े हुए, तो दुल्हन आ रही है। और आप दोनों वरवधु को आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग कि इन लोग का विवाहित जीवन सुखमय हो। और बस दुल्हन की एंट्री हो रही है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग के सामने, अब उन लोग की शादी हो रही है, ये भी अच्छी बात है। तो हम लोग ने खूब इंजॉय किया। और हम लोग रात के 2 बज गए था, बहुत देर में मतलब ये सब शादी के रीति रस्म शुरू हुए थे, तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग को घर लौटते लौटते 2 बज गया, तो हम लोग बस इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। फिर गाड़ी भी आ गई थी, ये हुआ कि अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था। और नेक्स्ट डे मतलब सबको जाना था स्कूल, तो इस वजह से हम लोग रात में ही रिटर्न हो गए थे। तो आप बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। की जाला हो खेला हमारा तो सौ।